हाय, तो आज मैं कुछ ऐसी डिश बनाने वाला हूँ जिसे एक तरह से कहेंगे सबसे खतरनाक डिश। खतरनाक ऐसे है, इंडिया की इकोनॉमी इस पर टिकी है, फूड इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा ऑर्डर करने वाली डिश, और ख़तरनाक इसलिए कहूँगा कि लोग समझते हैं कि पता नहीं कितनी डिफ़िकल्ट इसकी रेसिपी है कि बना नहीं पाएंगे, 4-6 घंटे लगेंगे, पता नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बनाते हैं, गैस तो कर लो एक बार, सही पकड़े हो तो ऐसा नहीं, सही पकड़े हैं। बिरयानी बनाते हैं हम, दम बिरयानी, इजी रेसिपी के साथ फटाफट बनेगी, बहुत ही सिंपल। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं चाय पी लूँ फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो लोग जो है बिरयानी इसलिए नहीं बनाते, लगता है पता नहीं कितने 60-70 इंग्रेडिएंट लगेंगे, 5 से 7 घंटे लगेंगे, क्या क्या लगेगा समझ नहीं आता। बट बिरयानी की एक खास बात यह है, बहुत ही सिंपल है, हम बना रहे हैं ना आज, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल है? मैं तो कहता हूँ बिरयानी बनाना किसी और चीज़ से ज़्यादा इंडियन चीज़ से अच्छी है। अच्छा, बिरयानी कभी इंडियन नहीं थी, बिरयानी पर्शिया से आई हुई है, अगर आप लोगों को ना मालूम हो। बट आज भी बिरयानी के ऊपर जंग है, हैदराबाद वाले कहते हैं बिरयानी उनकी है, अवध वाले कहते हैं बिरयानी उनकी है। एक सिंपल सी बिरयानी बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, तो अगर हमने चिकन बिरयानी बनानी है तो चिकन, मटन बिरयानी बनानी है तो मटन, बहुत ही इजी है। चिकन लेंगे, उसके अंदर हम सब कुछ एक जगह मिक्स कर देंगे, हमारा प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, सारे मसाले, इतनी सिंपल चीज़ है बिरयानी बनाना। इस हिसाब से हमारा इंडियन कोई करी नहीं बनती इतनी इजी। दही डाल रहा हूँ, इस पर डालेंगे मसाले, मसालों में देगी मिर्च, हरा धनिया, नमक, और क्या डालना है, कुछ तो कुछ पीस ऐसा समझ। हमारा केसर, थोड़ा सा केसर मैं बचा लूँगा, चाहे तो इसमें मिर्ची और डाल सकते हैं, हरी मिर्ची डालें अच्छी लगती है। प्लस इसमें मैं डालूँगा घी, ओए होए, घी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर घी ज़्यादा होगा तो हाथ धोएं अच्छे से, आप भी धो लेना, कोरोना का टाइम है, क्वारंटाइन का टाइम है, अच्छे से इस सब मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से। रंग ही अलग है चिकन का, सो ज्यादा नहीं, इसको हम 15 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और फिर इसे पकाते हैं। तो हम चिकन को कर लेते हैं, कढ़ाई में बहुत ही थोड़ा सा घी लगे, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा, जस्ट एक ग्रीस के लिए, और इसके अंदर हम अपना चिकन डाल देंगे। तो
क्या करेंगे, इसको पकने रख देंगे और इसे पकने रख देते हैं। कितनी देर क्वेश्चन है, कम से कम 20 मिनट इसे पकाएंगे और इसे पकने देते हैं। तो हमारा चिकन कुक हो गया है, देखिए वाओ बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो हम शुरू करते हैं बिरयानी बनाना। तो बिरयानी के लिए हम एक हांडी ले लेते हैं, एक बेसिक कोई भी हांडी। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा चावल। सो चावल किसी भी कीमत पे 80% से ज़्यादा कुक मत करना, मज़ा नहीं आएगा। कोई भी चावल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है बासमती लेना है। तो सबसे पहले चावल डालेंगे, बिकॉज मुझे बड़ा पसंद है जब नीचे के जो लेयर होती है वो एकदम क्रिस्प हो जाती है। चावल डालेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम चिकन के पीसेस। वाह जी वाह, स्वाद आने वाला, स्वाद आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो एक पूरी बेड बना देंगे हम, एक अलग से एक पूरी लेयर आएगी चिकन की। चिकन अगर आपका थोड़ा सा रह गया है, 90% तक कुक करो, पूरा भी नहीं। मजे की बात बताओ, चिकन मैंने खुद काटा है अपने हाथ से, अपने हिसाब के पीसेस डाले। इसके अंदर हम पहले थोड़ी ग्रेवी डालेंगे, थोड़ी। आधी ग्रेवी रख लेते हैं। अब इस पे मैं फिर से चावल डालूंगा। चावल को पलटो मत, हाथ से स्प्रेड करो अच्छे से। बिल्कुल चिकन को अच्छे से ढक दो। याद रखना 80% से ज़्यादा अगर आपने कुक किया तो चावल का ना भात बन जाएगा, नॉट मोर देन 80%। उबालना है सिर्फ, सिंपल। चावल मैंने डाल दिए हैं, अब इसके ऊपर मैं क्या डालूंगा, केसर। इसके बिना तो मज़े नहीं है ना। वाह जी वाह, केसर में मैंने केसर के पानी में थोड़ा सा केवड़ा और गुलाब जल भी डाला है। जब तक वो ना हो बिरयानी में मज़ा नहीं आएगा। फिर हम डालेंगे इसमें जो हमारी ग्रेवी रेडी है ना, ग्रेवी आपको दिखा देता हूँ, ये ग्रेवी है। इसमें दूध, थोड़ा सा दूध से मिक्स करना है। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, क्या बताऊं मैं आपको, क्या रंग है इस टाइम, आप देख ही सकते हैं इस टाइम पे रंग देख लो, बहुत बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, बहुत ही थोड़ा, और हरा धनिया। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपके ऊपर आप डालना। और अब इसे हम ढक के दम होने देंगे, तकरीबन इसको एक घंटा अब हमने गैस पे रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देते हैं। अच्छा, तो हमने अपनी बिरयानी को बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 40-45 मिनट से एक घंटा हमने इसे रख दिया है। तो इसको दम होने देंगे, अंदर स्टीम आएगी, चावल को कोंगे अच्छे से प्रॉपरली, एक दम लगेगा और दम बिरयानी बन जाएगी। तो रेडी होता है उस पर हम आपको दिखाता हूँ कैसा बनता है, ठीक है चलो। सो हमारी बिरयानी बन के रेडी होगी, अब इसको हम गैस बंद करके चेक करते हैं, खोलते हैं।
Oh my God, look at this beauty. Wow. Oh wow. ट्राई करते हैं, आप प्लेटिंग करते हैं इसकी, बड़ी सिंपल. वाओ, देखो कैसे चिकन खुल रहा है और चावल हमारा प्रॉपरली कुक्ड है. वाओ, आई नीड माई स्पून राइट नाउ. जैसे भी आई नीड माई स्पून, लेट मी चेक, टेस्ट करें. आप बताओ कैसी लग रही है. वाह जी वाह, ज्यादा मसाले नहीं, नहीं तो चावल का अपना एक टेस्ट है जो ओवर पावर हो जाता है. बहुत गर्म और बहुत यम्मी, मजा आ गया. ट्राई करते हैं, बताओ कैसी बनी है.